पंच नाम खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नाम कुम प्रखंड के आरा पंचायत में आज हम लोग जा पहुंचे हैं और यहां के मुखिया जी के पास बैठे। मुखिया जी से जानेंगे कि इस पंचायत की प्रमुख समस्याएं और गंभीर समस्याएं क्या है। मैं विजय टोपो, ग्राम पंचायत आरा के मुखिया। इस पंचायत के प्रमुख समस्याएं है सड़क, जो नगर निगम क्षेत्र से इस पंचायत सटा हुआ है और साथ ही साथ दो आदर्श पंचायत पंचायत के बीच में, तीनों नगर निगम और आदर्श पंचायत के बीच में सटा हुआ है। लेकिन जो बड़ा सड़क का समस्या है, जो जिला स्तर का हो सकता है, जो पंचायत के पैसा से संभव नहीं है, एक है आरा नया टोली रोड और एक आरा शाखे टोली और एक दुर्गम मंडप से लेकर वो बड़का टोली तक जाने वाले रोड, इन तीनों समस्या सड़क का है, जो बहुत ही गंभीर है। लोगों का बहुत मांग है, लेकिन हम लोग बार बार विधायक जी से बोले, अभी तक बन नहीं पाया है। इसके अलावा और पानी का है, पानी की समस्या। आपके पंचायत के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पेंशन की समस्या है, राशन कार्ड की दिक्कत है, डीलर की मनमानी, क्या इन सभी समस्या जेन्युइन है? कुछ राशन कार्ड में तो जेन्युइन है, कुछ गरीब लोग का नहीं बना है। कुछ प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल चुका है लेकिन घर नहीं बना है। नहीं, प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है वो बन चुका है, लेकिन जो 2011 के SCC डाटा से जो बना है उसमें बहुत से गरीब लोगों का छूट गया है, जिससे हम लोग बना नहीं पाए। बस मेन समस्या आपके यहाँ सड़क की है, जो लंबी सड़क है और बहुत घनी आबादी क्षेत्र को टच करती है, इसलिए सड़क की समस्या। कभी विधायक से बात की? बात की। क्या बोले विधायक? बोले आश्वासन तो दिए, बनाएंगे बोल के। बीत गए लेकिन बना नहीं अभी तक। आपने अपने फंड से क्या क्या कार्य किए? फंड से किए हैं काम, हम कुछ रोड बनाए हैं, फिर पानी के लिए जल मीनार जगह जगह में लगाए हैं, फिर जो फंड का जो पैसा है उसमें से कुछ और ऐसा भी काम किए हैं जो जन सुविधा के लिए। आपके पंचायत में विधायक जी ने कोई कार्य नहीं किया? एक दो कार्य किए हैं, जो सीधा टुली का रोड जो उन्हीं के अनुशंसा पे बना है, लेकिन और काम नहीं किए। विधायक कितने बार क्षेत्र घूमते हैं आपके पंचायत में? कभी कभार देखे हैं। पांच साल में कितने बार? वही एक दो बार ही देखे। विधायक नहीं आते? नहीं। इस बार जनता के मूड में और मुखिया के मन में क्या है? मन में तो मैं अपना पर्सनल जनता के मन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरा मन में तो है कि इस बार हम अपने स्तर से चाहेंगे कि बदलाव चाहते। आरा पंचायत के मुखिया जी का बड़ा बयान, बदलाव चाहते। बदलाव किस तरफ झुकेगा ये भी जान लेते हैं। बदलाव किस तरफ झुकेगा? देखिए अभी बदलाव मैं तो अपना व्यक्तिगत ही बता सकता हूँ। आप किसके पक्ष में? मैं कांग्रेस के पक्ष में। आप कांग्रेस का प्रचार करेंगे? यस, मैं उन्हीं का समर्थक भी हूँ, इसलिए मैं तो उन्हीं के करूँगा। कांग्रेस का प्रचार करेंगे, राजेश कश्यप के समर्थक। आखिर राजेश कश्यप को क्यों चाहते हैं? उनमें क्या ऐसा गुण है? उनमें है जो काम करने का जो ललक है, उसमें दिखाई देता है। काम करने की ललक और कुछ, और जो व्यक्ति के मान किसी की भी जो समस्या है दिन रात वो खड़े रहते हैं। नाराजगी जनप्रतिनिधि होने के विधायक से नाराजगी है कि जो भी योजना जो किसी भी पंचायत में चलती है, या तो जिला का हो या विधायक स्तर का हो, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया होने के नाते शिलापट में उनका नाम अंकित होना चाहिए था, जो हम लोगों का नहीं होता है, हम लोग का मान सम्मान को ठेस पहुँचता है। ये नाराजगी है, इसलिए सभी मुखिया गोलबंद। राजेश कश्यप आम पब्लिक के बीच दिन रात खड़े रहते हैं, स्वच्छ छवि है, ये कहना है आरा पंचायत के मुखिया का। चलिए फिर कुछ देर बाद अगले पंचायत में मिलेंगे, खिजरी विधानसभा। धन्यवाद।